अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसका टाइटल है अपडेट एग्जिस्टिंग प्रोफाइल लाइन विद न्यू प्रोफाइल लाइन, अपडेट मेन होल लेवल एज पर न्यू प्रोफाइल एलिवेशन। तो ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले मुझे किया गया था और ये मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछा गया था और व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछा गया था। तो यहाँ पे मेरे पास अगर हम कमेंट देखें तो यहाँ पे जो पहला कमेंट मुझे रिसीव हुआ है, उन्होंने इनबॉक्स भी किया था और वीडियो पे भी कमेंट किया था कि उनके पास जो है दो ड्राइंग हैं और एक ओल्ड है और एक न्यू है, जबकि न्यू वाली में प्रोफाइल चेंज हो गई है और ओल्ड वाली में उन्होंने सारे क्रॉस सेक्शन वगैरह और जो भी कॉरिडोर वगैरह है और उनके कुछ और इसमें उन्होंने मेन हॉल वगैरह का काम किया है, तो वो उनको एग्जिस्टिंग में ही अपडेट करना चाहते हैं न्यू प्रोफाइल के रेफरेंस से। तो मैंने उनको यहाँ कमेंट सेक्शन में भी बताया था सोल्यूशन कि ये आप कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद उनका ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे उनके पास इलेक्ट्रिकल मैन होल है, चैम्बर है, उनको उनके टॉप लेवल रिक्वायर्ड है, तो वो लेवल जो है वो न्यू अपडेट जो प्रोफाइल होगी उससे वो कैसे ले सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे ये वीडियो है, तो वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। तो यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग ड्राइंग है, इसमें उनका कॉरिडोर बना हुआ है, क्रॉस सेक्शन वगैरह बने हुए हैं और ओल्ड प्रोफाइल बने हुए हैं। यहाँ पे देख लें, ये ओल्ड प्रोफाइल है और यहाँ पे इस फाइल में जो है ये जो सेम अलाइनमेंट पे कुछ न्यू प्रोफाइल बने हुए हैं। तो हमें जो है इनको एक्यूरेटली उस प्रोफाइल व्यू में कैसे हमको लेके जाना है और हमारा जो भी पहले ओल्ड फाइल में काम हुआ हुआ है उसको कैसे अपडेट करना है, तो इसको हम देखेंगे। और उसमें जो उनके मैन होल के ब्लॉक्स वगैरह हैं उनके एलिवेशन हम कैसे जो है वो अपडेट कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारी ओल्ड न्यू प्रोफाइल की फाइल है, यहाँ पे हमने जो है जो इसको हमने उस फाइल में लेके जाना है। तो ये अलाइनमेंट है, यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अलाइनमेंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इसका नाम है IR2, ओके IR2 है यहाँ पे, और इसके साथ जो है एसोसिएट न्यू प्रोफाइल है वो इस व्यू में दी हुई है यहाँ पे, ओके ये IR2 है। तो हम इसमें किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इसको दोबारा क्रिएट करेंगे इसी फाइल में। तो मैंने अलाइनमेंट को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चर लेबर में यहाँ पे प्रोफाइल व्यू की ऑप्शन है, यहाँ पे मैं इस प्रोफाइल व्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है एक प्रोफाइल क्रिएशन का जो है मेन्यू ओपन हो गया है। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ IR2 और इसको यहाँ पे मैं न्यू का नाम दे देता हूँ कि ये हमारी न्यू प्रोफाइल है। मैं जस्ट इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको न्यू का लेबल दे देता हूँ यहाँ पे और मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ क्रिएट। तो यहाँ पे किसी ब्लैंक स्पेस में मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट किया है। और अभी अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमें इस प्रोफाइल के साथ न्यू का जो लेबल है वो शो हो रहा है, ओके। अभी मैं इसको रीजन कर देता हूँ एक दफ़ा ताकि हमारे जो कर्व वगैरह हैं वो सेट हो जाएं। तो यहाँ पे बैंड में हम देख लेते हैं कि ये साइन हुआ है कि नहीं हुआ, प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी, ओके। और यहाँ पे ये जो है ये न्यू वाला जो है लेबल आपने यहाँ पे साइन करना है इसको, ओके। यहाँ पे ये लेबल इसको साइन हो गया है, मैं यहाँ पे इसको एक दफा फाइल को सेव करता हूँ। फाइल सेव हो गई है, यहाँ पे आउटपुट टैब में ये एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट टू लैंड XML। अगर हम कमेंट देखें तो इसमें भी मैंने यही बताया है कि आप इसको लैंड XML में एक्सपोर्ट करें। यहाँ पे आप तो देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बताया है कि न्यू अलाइनमेंट को लैंड XML में एक्सपोर्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही ऑप्शन यूज करेंगे, ओके। तो ये हमारी जो है फाइल जो है वो न्यू है यहाँ पे, तो इसको हमने जो है लैंड XML में एक्सपोर्ट करना है, ओके। लैंड XML एक्सपोर्ट टू लैंड XML, यहाँ पे अनचेक, और ये जो पिक का बटन है आपने इसको लेना है और इस प्रोफाइल व्यू की जो लाइन है प्रोफाइल डिजाइन प्रोफाइल इस पर आपने क्लिक करके राइट क्लिक करना है और इस पर आपने ओके का बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है नाम दे देता हूँ यहाँ पे IR2 न्यू, ओके। मैं जस्ट इसको सेव करता हूँ यहाँ पे
यह वाली हमारी ओल्ड प्रोफाइल है, ओल्ड फाइल है, और यहाँ पे इसके कोरिडोर वगैरह जो है जो आप लोग देख सकते हैं बने हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर अभी हम जहाँ देखें तो यहाँ पे सेंट्रल अलाइनमेंट में आपको बहुत सारी अलाइनमेंट जो है वो नजर आएंगी, और यहाँ पे एक IR2 की अलाइनमेंट भी आपको नजर आ रही है। ओके, तो अभी हम इसके प्रोफाइल व्यू को थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं ताकि जो है हमें पता चले कि इसमें ये कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं व्यू को स्प्लिट कर रहा हूँ, तो व्यू स्प्लिट हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा जूम सेट कर लेंगे ताकि हमें इसको विजुलाइज करने के लिए आसानी रहे। व्यू हमारा स्प्लिट हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो है हमारी प्रोफाइल है ये वाली IR2। तो यहाँ पे मैं इस व्यू को यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, पहले हम इतने को जूम कर लेते हैं ताकि हमें जो है आसानी रहे कि हमने इसमें जो वर्किंग कर रहे हैं वो हमें इजीली नजर आ जाए। तो मैं इसको रीजन करता हूँ यहाँ पे। ये फाइल काफी हैवी फाइल है, बहुत सारा काम इसमें किया हुआ है इन्होंने, इस वजह से ये थोड़ी सी स्लो चल रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें ये वर्टिकल कर्व्स भी हैं, और जो हमने वहां से एक्सपोर्ट की है फाइल उसमें भी वर्टिकल कर्व वगैरह दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अभी आपने सिंपली ये इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, यहाँ पे लैंड XML है। लैंड XML में अभी हमने ये जो है फाइल अभी हमने इम्पोर्ट की है और एक्सपोर्ट की है। मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ। इसको करने से पहले हम यहाँ पे ये जो टैब है इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे पिन कर लेते हैं। ओके, मैंने इसको यहाँ पे पिन कर दिया। अभी मैं इसको इम्पोर्ट करता हूँ, ये फाइल है ओपन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके साथ जो भी एसोसिएट चीजें हैं वो यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएंगी। मैं जस्ट इसको जस्ट ओके कर रहा हूँ। ओके, फाइल हमारी इंपोर्ट हो रही है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगी और ये इंपोर्ट हो जाएगी यहाँ पे। व्यू अपडेट हो रहा है यहाँ पे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये फाइल काफी हैवी है, इसलिए जो है ये सिस्टम जो है वो स्लो चल रहा है यहाँ पे। तो आप देखते रहिए वीडियो को, क्योंकि मैं इसको पॉज इसीलिए नहीं कर रहा कि हो सकता है कि आप लोग ये समझेंगे कोई चीज यहाँ पे जो है वो बताई नहीं जा रही है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे ये व्यू जो है हमारा अपडेट हो गया है। ओके, ये IR2 है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा लाइन अपीयर हुई है। तो ये जो चीजें आ रही हैं, मैं इसको रीजन करता हूँ तो ये ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारी IR2 की प्रोफाइल व्यू था। यहाँ पे अलाइनमेंट में कोई चेंज नहीं आया है क्योंकि मैंने उसका नाम चेंज नहीं किया था, आप लोगों ने देखा, क्योंकि मुझे इसी पे ही ये लाना था। तो यहाँ पे उसने अलाइनमेंट को खुद ही रिप्लेस कर लिया है, और यहाँ पे प्रोफाइल जो चेंज थी उसको उसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे हम इसका स्टाइल चेंज करेंगे, मैं इसको प्रोफाइल प्रॉपर्टी में चला जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास जो है ये डिजाइन प्रोफाइल थी, और मैं इसको यहाँ पे IR2 का नाम दे देता हूँ। ओके, जस्ट मैं इसको यहाँ पे इसका जो कलर है वो भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको येलो कर देता हूँ ताकि ये थोड़ी सी हमारे लिए आइडेंटिफाई करना इजी हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये प्रोफाइल हमारी विद कर्व जो है वो यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे मैं इसको रीजन एंड में ही करूँगा ताकि जो है वो बार बार ये स्लो वर्किंग होने की वजह से ये चेंज ना हो। तो इस पे अभी हमें अपने जो है वो क्रेस्ट और सैग के लेबल चाहिए, तो लेबल के लिए मैं यहाँ पे एडर लेबल में जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्रिक ग्रेड हैं, और इनको जो है यहाँ पे आप स्टैंडर्ड भी ऐड कर सकते हैं कोई भी आपको, ये मैं जस्ट डेमोस्ट्रेट इसको दिखाने के लिए जस्ट कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे ये जो है अगर आप ये ना भी रखना चाहें हॉरिजॉन्टल ग्रेड तो मैं इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे लाइन ग्रेड जो है इनको ले लेता हूँ परसेंट में, और यहाँ पे ये जो है ग्रेड ब्रेक है ये ले लेता हूँ। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड सेलेक्ट हुआ है, मैं इसको जो है वो
ग्रेड ब्रेक पे कर देता हूँ, और यहाँ पे ये जो है क्रेस्ट और सैग है, तो क्रेस्ट और सैग में यहाँ पे मैं कोई यहाँ से ऑलरेडी जो भी बना हुआ है इस फाइल में, तो मैं उसको यहाँ पे ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने ये लेबल ले लिया यहाँ पे, मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल भी यहाँ पे आ गई है, इसके वर्टिकल कर्व भी आ गए हैं, उनका डाटा भी आ गया है यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और अभी हमने ये जो है यहाँ पे इसको प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हमने इसको एलिवेशन जो है वो न्यू प्रोफाइल से देना है। तो ये हमारी न्यू प्रोफाइल है, और इसको मैं अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एलिवेशन जो है यहाँ पे जो भी न्यू प्रोफाइल के हिसाब से थे वो आ गए हैं। अभी हमने अपने कॉरिडोर को जस्ट रीबिल्ड करना है, और हमारी सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। यहाँ पे ये कॉरिडोर है, और यहाँ पे मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, ये IR2 का बेस लाइन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं जस्ट इसको यहाँ पे सॉरी सेलेक्ट ओके कॉरिडोर रीबिल्ड, यहाँ पे सारे कॉरिडोर जो भी हैं इसमें वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीबिल्ड हो जाएंगे और सारे जो है अपडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे ही ये रीबिल्ड होते हैं तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। कॉरिडोर हमारा रीबिल्ड हो गया है, यहाँ पे रीबिल्ड हो गया है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ओके। अभी यहाँ पे अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँ ओके कैंसिल, सेलेक्ट ओके प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये पैरामीटर है और यहाँ पे ये सर्फसिस है। तो सर्फसिस में ये ऑलरेडी उन्होंने जो टॉप सरफेस रखा हुआ है वो ऑलरेडी रीबिल्ड हो गया है यहाँ पे। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था वो ये था कि उनके इस रोड के ऊपर जो है वो मैन होल्स वगैरह हैं, तो उनके लेबल जो है वो उनको ऑटोमेटिकली अपडेट चाहिए। तो हम देख लेते हैं उनके पास क्या है यहाँ पे और उसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने व्यू को जो है वो वापस सिंगल व्यू में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि हमारा जो वहां तक का काम था वो हो गया है। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ उनके पास ये कोगो पॉइंट भी हैं, और यहाँ पे ये उनके पास कुछ ब्लॉक भी हैं। तो ये कोगो पॉइंट और ब्लॉक का जो बेस पॉइंट है दोनों सेम नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, हम इसको देखते हैं। अगर हमने ये ब्लॉक के सेंटर पे ये लेबल हमें चाहिए, ब्लॉक के अगर सेंटर पे चाहिए तो ठीक है, वैसे हमने उन्हें एज पे लिया हुआ है तो ये उनको एज पे ही रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि उनको ये यहाँ पे ही रिक्वायर्ड है। तो अभी ये जो ब्लॉक है, अगर ब्लॉक को कन्वर्ट करना है उनको, तो हम ये भी देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। मैं यहाँ पे सिलेक्ट सिमिलर करके इन ब्लॉक्स को यहाँ पे एक ब्लॉक को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट सिमिलर, और यहाँ पे मैं करता हूँ कॉपी, न्यू ड्राइंग में आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे पेस्ट विद ओरिजिनल कोऑर्डिनेट कर दे। तो जितने भी ब्लॉक थे हमारे वहां पे ठीक है, अभी ये यहाँ पे आ गए हैं ठीक है, यहाँ पे ये आ गए। अगर ब्लॉक को कन्वर्ट करना रिक्वायर्ड है तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये ब्लॉक है ओके। तो ब्लॉक को आप कोगो पॉइंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं इसके लिए ये एक लिस्ट लोड करता हूँ, लोड क्लोज ओके। अभी मैं इनको जो है वो रन करता हूँ, टेस्ट टेस्ट, यहाँ पे ये जो है ये ऑटोकैड पॉइंट में कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ पे आपने ये पॉइंट में जाना है, पॉइंट में यहाँ पे आपने ये कन्वर्ट ऑटोकैड ब्लॉक ओके। तो यहाँ पे ये जो है आपके ये कन्वर्ट हो गए हैं। अभी हमने जो इनके एलिवेशन वगैरह हैं उनको जिस जगह पे रिक्वायर्ड है वो ले लेंगे उस पे, मैं जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे ये जो सर्फसेज हैं, यहाँ पे ये टॉप सर्फस कॉरिडोर की है, मैं इसको एक्सप्लोर टू लैंड XML करता हूँ ओके। और यहाँ पे ये सर्फस है हमारी ओके, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी हमने ये जो न्यू ड्राइंग बनाई है हम इसमें देख लेते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाता हूँ और लैंड XML में इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये हमारी सरफस है ओके। यहाँ पे ये सरफस हमारी आ गई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे।
आप सरफस का स्टाइल जो चाहें रख सकते हैं। अभी यहाँ पे ये जो है, मैं इस सरफस को स्टाइल चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। दूसरा उनका ये क्वेश्चन था कि उनको इसकी स्लोप के एरो रिक्वायर्ड है, कि स्लोप किस साइड में जा रही है। तो अगर आपके पास ये स्लोप एरो नहीं शो हो रहे, तो आपने जस्ट यहाँ से सरफस एडर स्टाइल में जाना है, और यहाँ पे ये जो है लेयर इसकी है यहाँ पे स्लोप एरो। ओके, इस ये अभी मैंने ऑन की हुई है। मैं अगर इसको ऑफ करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये एरो चले गए हैं। अगर मैं इनको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे ये आपको स्लोप शो कर रहा है कि आपके रोड की स्लोप जो है वो किस साइड में है। तो ये रेंडम है। ओके, अगर आपको सैंपल लाइन वाइज सैंपल लाइन के पैरेलल चाहिए ये वाले एरो और उनकी स्लोप के लेबल चाहिए, तो उस वीडियो का मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। आप वहां से देख सकते हैं कि आप जो अपने सेक्शन वाइज जो है वो स्लोप लेबल कैसे ले सकते हैं और उनकी डायरेक्शन कैसे ले सकते हैं। लेबल हमने देख लिए। अभी हमने ये जो हमने पॉइंट क्रिएट किए थे, ठीक है, अभी हमने इनके एलिवेशन जो है वो अपडेट करके देखने हैं। तो इससे पहले मैं इन लेबल को थोड़ा हटा देता हूँ, एरोज को, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने अपने जो मैन होल वगैरह के एलिवेशन है उनको कैसे अपडेट करना है। यहाँ पे ये हमारे मेन होल के एलिवेशन थे, तो यहाँ पे ये जो है मैं सिलेक्ट सिमिलर करता हूँ ये इनको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और एलिवेशन फ्रॉम सरफस कर देना है। तो हमारे पास टॉप सरफस है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ अभी जो हमारी न्यू प्रोफाइल थी इसके हिसाब से जो हमारी सरफस बनी थी टॉप, उसके हिसाब से हमारे ये एलिवेशन इसमें अपडेट हो गए। तो अब भी अगर हम अपनी ओल्ड फाइल में जाएं तो वहां पे भी ये कुछ कोगो पॉइंट जो है वो क्रिएट हुए हुए हैं और इनके साथ एलिवेशन है। तो अगर आपको ये प्रोसीजर नहीं करना था और आपके पॉइंट ऑलरेडी जिस लोकेशन पे आपको रिक्वायर्ड है वहां पे है, तो आपने राइट क्लिक करके सिलेक्ट सिमिलर करना है और यहाँ पे एलिवेशन फ्रॉम सरफेस करना है, और यहाँ पे आपने इसको टॉप में क्लिक करना है और ओके करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपके सारे एलिवेशन जो है वो ऑटोमेटिकली, जितना भी नेटवर्क था आपका वो सारा जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। और जैसे मैंने स्लोप लेवल का बताया है, आप उनको क्रिएट कर सकते हैं यहाँ भी सरफेस पे, और अगर आपको सैंपल लाइंस के परपेंडिकुलर चाहिए तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।